हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो MySQL को लेकर के है। देखिए, MySQL पर कुछ भी बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज है संडे और जैसा कि आपको कम्युनिटी टैब पर मैंने बता ही दिया था कि टाइम में परिवर्तन किया गया है। आज की जो टैली की क्लास है वो 7 बजे शाम को ना होकर के 4 बजे शाम को होगी। जो भी लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टैली ERP 9 या टैली प्राइम पे वर्क करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे कैसे वर्क किया जाता है, वो सीधा हमारे साथ जोड़ सकते हैं 4 बजे। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस लिंक को आपको देखना है जो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल को सर्च करते हुए। हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं आगे, यानी कि आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है MySQL का स्कीमा। देखिए यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्कीमा, देख सकते हैं। तो स्कीमा क्या होता है, बेसिकली स्कीमा होता क्या है, स्कीमा कहते किसे है, ठीक है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो जो भी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है उसे हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है। स्कीमा किसे कहते हैं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो भी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी डाटा को, ठीक ठीक है। अब जैसे डाटा किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो एक टेबल हम बनाते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टेबल बनी, टेबल जब बनती थी तो उसमें कई रिकॉर्ड्स होते थे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये टेबल किस नाम से बन गई, स्टूडेंट के नाम से बन गई, ST लिख देता हूं यहां पे, ये हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पे आईडी होती थी, ठीक है, फिर स्टूडेंट का नेम होता था, फिर क्लास होता था, ठीक है, फिर सेक्शन होता था, तमाम चीजें ऐसे करके आती थी, नीचे और भी चीजें आती थी। फिर यहाँ पर एक दूसरा टेबल बनता था, ठीक है, तो दूसरे टेबल का नाम कुछ और होता था, ठीक है। तो ये जो बेसिकली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बनाएंगे कैसे, देखिए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। अब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप जब आपने देखा होगा, जब आप अगर आप डेटाबेस पढ़ते हो तो इस तरीके से करके एक बनाया जाता है कि हाँ पहले ये फिर ये, मतलब टेबल हो गई, एक डेटाबेस के अंदर 3 या 4 टेबल्स या 5 टेबल या 10 टेबल होती हैं। तो इस तरीके से करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाई जाती है किसी भी डाटाबेस की, क्या की जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो बात करेंगे कि आपको स्कीमा तो समझ में आ गया होगा, स्कीमा क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे कैसे बनाना है ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरी बात होती है रिलेशनशिप की। देखिए रिलेशनशिप के बारे में कई वीडियोस मैंने डाली हैं, ठीक है, और आपको काफी ज्यादा वीडियोस पसंद भी आई हैं। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक टेबल दूसरे टेबल से किस प्रकार से लिंक हुई, ठीक है, और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे ST1 कर देते हैं, इस टेबल का नाम है ST1। अब इसमें ये कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी, ये चीज कहलाता है क्या, ये चीज कहलाता है रिलेशनशिप। अब ये तो दो ही टेबल हैं, ठीक है, अब दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं सब कुछ कीजिए रोल नंबर कर देते हैं स्टूडेंट का, RN कर देता हूं, तो यहां पे एक रोल नंबर नाम की फील्ड डाली जाएगी, ठीक है। फिर यहां पे क्या करते हैं, यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, कंप्यूटर आ गया, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, जो भी है, फिर यहां पे टोटल किया जाएगा इसका। तो दोनों ये रिलेशनशिप क्रिएटेड है। और यहाँ पे लास्ट में एक और चीज हम फिल कर देंगे आईडी, क्योंकि एक फील्ड कॉमन होना जरूरी है, तो ये आईडी हो जाएगा। तो ये दो टेबल जब आप डाटाबेस में बनाएंगे, MySQL बनाएंगे MySQL के अंदर, तो ये दोनों ही डेटाबेस में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। किस तरीके से, आईडी का रिलेशनशिप आईडी से क्रिएट होगा, ये जो आईडी है ना इस आईडी से सीधा आके जुड़ जाएगा, तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। अगर तीसरी भी टेबल होगी तो तीसरी टेबल में हम एक फील्ड कॉमन रखेंगे, फिर तीसरी टेबल में भी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप को क्रिएट कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये रिलेशनशिप वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एंटिटी क्या होता है, एंटिटी जानते हैं क्या होता है, एंटिटी का मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट का पूरा डेटाबेस बनेगा, उसमें तमाम चीजें आएंगी, तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, ठीक है। हम बोल दें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट एक एंटिटी हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या हुआ, एक एंटिटी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी इस तरह की चीज जो है एंटिटी कहलाएगी, जैसे स्कूल कह दिया हमने, स्कूल मैनेजमेंट, तो ये भी एक एंटिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ये भी जो भी हम डेटाबेस बनाएंगे वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मतलब कि एक व्यवस्थित रूप उसका होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डेटाबेस पे वर्क कर सकोगे। जैसे अगर आप डेटाबेस बहुत बड़ा बना देते हो तो कोई भी प्रोग्रामर उसको फेच कैसे कराएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बना लिया, या MySQL पे बना लिया, या SQL सर्वर पे बना लिया, या Oracle पे बना लिया, कहीं पर भी एक डेटाबेस आपने तैयार कर लिया, तो उसका यूज कैसे करेगा कोई भी प्रोग्रामर,
ठीक है, तो ऑर्गेनाइज रहेगा तभी तो यूज कर पाएगा, तो ये कहलाता है ऑर्गेनाइज होना। ठीक है, अब ये सारा काम करेगा कौन, करने की जिम्मेदारी होती है डाटाबेस डिजाइनर की। जो भी डाटाबेस डिजाइन करेगा वही ये सब काम कर सकता है, यानी उसको डाटाबेस में महारत हासिल होगी और वही ये सारा काम कर सकता है, तो वो होता है डाटाबेस डिजाइनर। और ये सारा काम किसके थ्रू होगा, एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल जिसे सीक्वल भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये बात याद रखिएगा, ये सारा जो है इसी को डेटाबेस कहा जाता है, और ये सारे टर्म्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने क्रिएट कर रखी है, लगभग 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप वहां पर जाकर के सीधा डीबीएमएस में जाकर के देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और याद रखिएगा शाम को लाइव क्लास चलेगी टैली की 4 बजे से, तो आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।